हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एंटी नेट एजुकेशन प्रिपरेशन आज की सीक्वेंस के रिगार्डिंग हम लोग एजुकेशनल रिसर्च का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अप्रोच देखिए स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने किया था Uh, मैं आपको दिखा देती हूँ मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है अगर आज का टॉपिक अगर आपको और अच्छे से क्लियर करना है तो इससे पहले आप अगर आप लोगों ने ये वाला मेरा लेक्चर नहीं सुना है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च तो इसको भी आप सुन लीजिएगा चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च सबसे पहले यहाँ पर मैंने अगर बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो तीन तरह की रिसर्चेस की यहाँ पर बात आएगी सबसे पहले आता है फंडामेंटल बेसिक और प्योर रिसर्च देन आता अप्लाइड देन आता एक्शन रिसर्च चलिए नंबर वन फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च देखिए फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च जो है बेसिकली यहां पर क्या होता है कि कोई भी थ्योरी कोई भी मेथड्स कोई भी कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा जा चुका है अब उस थ्योरी की और डीप नॉलेज करनी है ठीक है यहां पर आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि प्योर मैथमेटिक्स क्लियर इसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल या फिर बेसिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट न्यू नॉलेज एंड टू डिवेल्प थ्यूरीज अभी मैंने आपको बताया कि, कि किसी भी नई नॉलेज को जनरेट करना या फिर पर्टिकुलर जो थ्योरी पढ़ी जा चुकी है उस थ्योरी को डेवलप करना क्लियर इट इज़ कैरीड आउट इन कंट्रोल्ड सिचुएशन कंट्रोल्ड सिचुएशन में होती है क्योंकि उस थ्योरी का एक दायरा होता है उससे बाहर आप नहीं जा सकते हो हेयर एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज आर सेकेंडरी यहाँ पर मेन मकसद ये होता है कि जो भी थ्योरी पढ़ी है जो भी एक पर्टिकुलर मेथड के बारे में पढ़ा जा चुक जा चुका है उस मेथड के बारे में उस मेथड की थ्योरी के बारे में और रिसर्च करना क्लियर तो इसीलिए यहाँ पर एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर थ्योरी की एक सेकेंडरी एस्पेक्ट मानी जाती है फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है थेटिकल पोर्शन क्लियर सो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दी प्योर मैथमेटिक्स की ठीक है देन आता है हमारे पास तैन आता है स्टूडेंट्स अप्लाइड रिसर्च देखिए अप्लाइड रिसर्च इसके नाम को बहुत ध्यान से समझिए अप्लाई करना यानी कि जो भी थ्यूरी जिस पर्टिकुलर थ्यूरी की आपने नॉलेज ली है उसको डिफरेंट डिफरेंट नई सिचुएशन में लागू कर पाना इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लोर द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ न्यू नॉलेज जो न्यू नॉलेज आपने पर्टिकुलर किसी भी थ्यूरी से पर्टिकुलर किसी भी प्रिंसिपल से ली है जो भी जर्नलाइजेशन आपने एक पर्टिकुलर थ्योरी की नॉलेज से बनाई है उस नॉलेज का यूज नई नई सिचुएशंस में कर पाना प्रैक्टिकल जो लाइफ में एक पर्टिकुलर नॉलेज का यूज जो है वो कर पाना इट्स मेन पर्पस इज टू टेस्ट थेरेटिकल कंसेप्ट इन एक्चुअल सिचुएशंस यानी कि जो भी आपने सॉरी <coughs> जो भी आपने थेरेटिकल कंसेप्ट के बारे में नॉलेज ली है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको एक्चुअल सिचुएशंस में यूज़ करके देखना दीज आर मेनली कंसर्न विद टेस्टिंग ऑफ थ्यूरीज यानी कि जो थ्यूरी आपने पढ़ी है अब उसका टेस्ट करना इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इन इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स जैसे जैसे कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर बी एड कॉलेज में स्टूडेंट्स आते हैं तब उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्लास में किन किन डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स के साथ पढ़ाया जाना चाहिए वो अपना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पैडागोजी का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट मैथड नॉलेज लेते हैं कि इन मेथड्स का यूज करके हमें में कल को स्टूडेंट्स को पढ़ाना है ठीक है अब उन्होंने दो साल की ट्रेनिंग ले ली जो ट्रेनिंग ली थी वो ज्यादातर क्या थी थ्रेटिकल थी ठीक है अब उन उस थ्योरी का यूज प्रैक्टिकल वे में जब वो एक एक्चुअल वे में एक्चुअली जब वो टीचर बन जाएंगी तब वो क्लासरूम में जाकर के उस थ्योरी का यूज करेंगे जितने भी मेथड्स उन्होंने याद किए थे जितने भी मेथड्स उन्होंने सीखे थे उनका यूज़ वहाँ प्रैक्टिकल सिचुएशंस में करके देखेंगे कि जो भी हम लोगों ने इंडक्टिव मेथड किया डिडक्टिव मेथड किया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किया या साइंटिफिक मेथड किया कोई भी किसी भी प्रकार के जो हम लोगों ने मैथड सीखे हैं अब क्या वो यहाँ पर यूजफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं एक्चुअली एक थ्योरी की नॉलेज लेकर के उस थ्योरी का यूज प्रैक्टिकल वे में करना क्लियर और बात हो रही है एजुकेशनल रिसर्च की तो यहां पर जितने भी फील्ड होंगी वो भी कितनी कौन कौन सी होंगी जो कि एजुकेशन से जुड़ी होंगी यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गई या फिर इंस्ट्रक्शनल मटीरियल इंस्ट्रक्शनल मटीरियल का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से मैथड्स को मतलब किस प्रकार से मैथड्स का यूज करके एक पर्टिकुलर कंटेंट की नॉलेज को स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना उन इंस्ट्रक्शंस को किस प्रकार से देना अभी तक हमने केवल सीखा था सुना था भी इस इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस का यूज करना है वो हमने याद भी कर लिया अब उनको प्रैक्टिकल वे में यूज करना क्लियर दिस इज नोन एज एप्लाइड रिसर्च अब कंफ्यूज नहीं होना है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक्शन रिसर्च फिर मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बताती हूं एक्शन रिसर्च इट इज पर्पजफुल एंड गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन बाय पार्टिसिपेटर्स with purpose of improving and modifying their practices with a view to achieve better results <laughs> बेटर रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब भी टीचर को लगता है कि मुझे इस सामने वाले स्टूडेंट का जो बिहेवियर है कहीं ना कहीं पर इम्प्रूव करना है कहीं ना कहीं डेवलप करना है उसको मॉडिफाई करना है तो उस सिचुएशन में ऑन द ऑन द स्पॉट जो भी उसके माइंड में आएगा भाई मुझे यहाँ पर ये मेथड अपनाना चाहिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इम्प्रूव करने के लिए उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए दैट इज़ नोन एज एक्शन रिसर्च तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रिसर्च है वो एक क्लासरूम तक ही बाउंडेड रहती है क्लासरूम की सिचुएशंस के आधार पर टीचर जब कोई भी मेथड अपनाता है टीचर जब कोई भी निर्णय लेता है ऑन द स्पॉट और इसको हम लोग इमिडिएट uh, एप्लीकेशन भी इसीलिए इसको इमीडिएट एप्लीकेशन भी कहा जाता है एंड नॉट ऑन द डिवेलपमेंट ऑफ थ्यूरीज़ और जनरल एप्लीकेशन ये कोई कोई भी किसी भी प्रकार की किसी थ्योरी की डेवलपमेंट नहीं है ना ही ये कोई जनरल एप्लीकेशन है ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की uh, को मॉडिफाई करने के लिए उसको डेवलप करने के लिए अगर कोई मेथड अपनाती हूं तो वो वाला जो मेरा तरीका है वो दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर भी या दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स के ऊपर भी कारगर साबित होगा दिस इज नॉट सो असेंशियल नॉट सो ठीक है इट्स फाइंडिंग्स आर एप्लीकेबल ऑन लोकल इवेल्यूएशन यहाँ पर लोकल इवेल्यूएशन के ऊपर ये एवेल्यूएशन ये ये इसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो लोकल यानी कि आपको एक छोटे लेवल पर एक स्कूल तक या फिर क्लास क्लासरूम लेवल तक जब आप कोई भी तरीका अपनाते हो पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इम्प्रूव करने के लिए सिचुएशन को दिस इज़ नॉन एज एक्शन रिसर्च ये यूनिवर्सल बिल्कुल नहीं होता है अभी मैंने बोला कि ये जरूरी नहीं है कि एक बंदे के ऊपर अपनाया गया तरीका दूसरे बंदे के ऊपर भी कारगर साबित साबित इसीलिए इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है क्लियर तो अप्लाइड और एक्शन रिसर्च में बेसिकली मेन मोटा मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स अप्लाइड रिसर्च यानी कि किसी भी थ्योरी की नॉलेज ली और उसको हर जगह पर आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हो लेकिन एक्शन रिसर्च की अगर हम लोग बात करें तो दिस इज़ यह ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर अपनाया गया तरीका दूसरी सिचुएशन के ऊपर भी कारगर साबित हो एक्शन रिसर्च यानी कि ये क्लासरूम तक या फिर स्कूल लेवल तक ही बाउंडेड होती है और ये इसको आप लोग ये भी कह सकते हो कि ये लोकल लोकल एवेल्यूशन के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है इसको आप लोग इमीडिएट एप्लीकेशन के नाम से भी जाना जाता है क्लियर देन हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अप्रोचिज इसमें दो तरह की हम लोग रिसर्चेज की बात करते हैं नंबर वन क्वालिटेटिव एंड सेकेंड वन इज क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव की बात करें स्टूडेंट्स तो गुणात्मक क्वान्टिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च द अप्रोच इज इंडक्टिव इट्स फोकस ऑन स्पेसिफिक सिचुएशंस इंस्टीट्यूशंस कम्युनिटीज एक्सेट्रा एंड फोकसिस इज ऑन कॉजिस इंटरप्रिटेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ये फोकस करता है कि क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम के क्या कारण थे इसको किस प्रकार से इंटरप्रेट किया गया और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या निकली आउटकम्स क्या आई नॉट स्पेसिफिक ऑन स्कोर क्या हुआ मेज़रमेंट्स क्या आईं स्टेटस्टिकल एनालिसिस यहाँ पर नहीं किया जाता है स्कोर्स नहीं देखा जाता है ये एम्फेसाइज करता है पर्सनलाइज एक्सपीरियंसिस के ऊपर जबकि सॉरी पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस के ऊपर एम्फेसाइज करता है रेदर देन स्ट्रक्चर्ड टूल्स ये नहीं देखता कि जो मशीनें क्या बोल रही हैं ये देखता है कि इंसान क्या कह रहा है उसने किस प्रकार से उसका एक्सपीरियंस है उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर देखा जाता है एंड जनरली बेस्ड ऑन स्मॉलर नंबर ऑफ केसेस इट्स मेन एम इज़ टू डेवलप कैजुअल एक्सप्लानीशंस देना इसका मेन एम होता है कैजुअल एक्सप्लनेशन देता है कि अच्छा है बुरा है इतना किया कितने मार्क्स आए कम पाँच में से चार आए तीन आए दो आए ये नहीं देखा जाता ये केवल कैजुअल एक्सप्लेशन देता है स्टडिंग इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बिहेवियर और एनी फिनोमिना बताता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर कोई भी किसी भी प्रकार का बिहेवियर कर रहा है या कोई भी सिचुएशन अगर आई है सामने कोई भी पर्टिकुलर फिनोमिना आया है तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और उन फैक्टर्स का आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप्स हैं क्लियर इट्स प्रैक्टिकल यूज इज़ टू जनरेट थ्योरीज दैट आर अंडर स्टैंडेबल इस प्रकार की थ्योरीज को जनरेट uh, करना जो कि समझी जा सकती है यहाँ पर हमें पूरा सिचुएशंस का ए टू जेड पता चलता है ठीक है अगर हम लोग क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव है गणनात्मक उसमें हमें रिजल्ट पता चलता है कि इस बंदे के इतने मार्क्स आए हैं लेकिन यहाँ पर हमें क्वालिटेटिव रिसर्च में ये पता चलता है कि उसकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की रही है Clear? Conducting. फॉर्मेटिव एवेल्यूशन देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च का सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल जिस प्रकार से देखिए अगर हम लोग स्कूल लेवल की बात करें तो जो भी फॉर्मेटिव एवेल्यूशन होती हैं जिसमें ये जाना जाता है कि बच्चा जो है फॉर्मेटिव एवेल्यूशन यानी कि आ, वीकली टेस्ट हो गए या छोटे छोटे टेस्ट हो गए या फिफ्टीन डेज बाद जो टेस्ट होते हैं पर मंथ के हिसाब से जो भी टेस्ट होते हैं उनके हिसाब से ये पता करना कि स्टूडेंट्स जो है उनकी सिचुएशन क्या है क्या उनमें इम्प्रूवमेंट आई है अच्छा है अच्छी आई है या नहीं हो पाई है ठीक है और कहाँ कहाँ उनके वीक पॉइंट्स रहे हैं ये सब कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च के अंडर ही आता है तो आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि फॉर्मेली फॉर्मेटिव इवेलुएशन एक पार्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च का क्लियर टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो फिनोमिनोलॉजिकल एथनोग्राफिकल केस स्टडी हिस्टोरिकल रिसर्च एंड फिलोसोफिकल रिसर्चिज इसके अंडर पढ़ी जाती हैं घबराना नहीं है हम इन सारी टाइप्स के बारे में हर एक टाइप के बारे में आपको पढ़ाऊंगी हर एक टाइप के ऊपर मैं एक एक लेक्चर जो है वो तैयार करूंगी ठीक है नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इन्हीं के बारे में ही डिस्कशन करेंगे अगर हम लोग क्वान्टिटेटिव रिसर्च की बात करें तो क्वान्टिटेटिव रिसर्च इस प्रकार की रिसर्च है इट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टेमेटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमिना बाई गैदरिंग क्वान्टिफिएबल डाटा एंड परफॉर्मिंग स्टेटस्टिकल एंड कंपटेशनल टेक्निक्स यहाँ पर स्टेटस्टिकल uh, टूल्स uh, का टेक्निक्स का मैथमेटिकल टेक्नीस का कंप्यूटेशनल टेक्नीस का यूज़ करके एक पर्टिकुलर आउटकम के बारे में बताना एक पर्टिकुलर रिजल्ट के बारे में बताना बता देना भाई ये इस स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो पाँच में से चार हैं ठीक है क्वांटिटेटिव यानी कि गणना करना गणनात्मक क्वालिटेटिव यानी कि गुणनात्मक ठीक है वहाँ पर गुणों के बारे में चर्चा करना यहाँ पर गणना के बारे में चर्चा करना ठीक है तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ इसकी बात करेंगे तो ये स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स का यहाँ पर यूज़ होगा क्लियर अगर यहाँ पर इसकी टाइप्स की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस के बारे में हम लोग डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसर्च इजी है आई होप इट्स क्लियर टू यू थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी